मीडिया में एंकर ही हैं जो अपने डिबेट्स या शोज के जरिए देश की बात जनता के सामने रखते हैं। आज हम कुछ एंकर्स के डिबेट्स देखेंगे कि उन्होंने पिछले हफ्ते में किन मुद्दों को तवज्जो दी। सबसे पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, पेगासस जासूसी कांड पर इसराइल जांच को तैयार, भारत का इनकार। दूसरा, सच छापा तो पड़ गया छापा। तीसरा, क्या सड़कों पर दम तोड़ते लोगों की हकीकत सेंटर को नहीं नजर आई। चौथा, सरकार गिराने को जासूसी, सरकार बनाने को जासूसी। पांचवा, पेगासस कांड, सावधान, जासूस फोन सुन रहा है। रवीश अक्सर जनता की परेशानियों को अपने शो प्राइम टाइम के जरिए सामने रखते हैं। इस बार पेगासस जासूसी कांड को लेकर जानकारी देते नजर आए और इस मुद्दे से आम जनता को होने वाली परेशानियों पर भी बात करते दिखाई दिए। क्या यह अजीब नहीं है कि जिस देश की यह कंपनी है एनएसओ, उस देश में इसकी जांच हो रही है लेकिन भारत में नहीं। इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा आयोग का गठन कर दिया है जो पता लगाएगा कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नागरिकों की जासूसी के लिए तो नहीं हुआ। एनएसओ कह रही है कि दुनिया के किसी भी देश की सरकार जानकारी मांगेगी तो हम मदद के लिए तैयार हैं, और हमारी भारत सरकार जानकारी ही नहीं मांग रही। एनएसओ की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट में एनएसओ ने खुद ही उन बातों को रेखांकित किया है कि इसका दुरुपयोग कहां कहां हो सकता है। राजनेताओं, एनजीओ, पत्रकारों, वकीलों को इससे सबसे अधिक खतरा हो सकता है। एनएसओ ही अपनी रिपोर्ट में बता रही है कि उसके सॉफ्टवेयर का किस किस के खिलाफ गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो भारत सरकार को शक क्यों नहीं कि इसका गलत इस्तेमाल हुआ होगा और जांच हो। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, किसान आंदोलन में नहीं हुई किसी की मौत। दूसरा, कोरोना से लड़ाई, गरीब के बच्चे की शामत आई। तीसरा, क्या विरोधियों की जासूसी करा रही है सरकार। चौथा, आंदोलन कर रहे किसान मवाली। पांचवा, क्या 2024 की जंग में होगा मोदी वर्सेस ममता। संदीप ने कई जरूरी मुद्दों पर डिबेट की। उन्होंने अपनी डिबेट में किसान आंदोलन पर चर्चा की और किसान आंदोलन के समाधान के मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता से तीखे सवाल भी किए। बिल लाने से पहले कितने किसान संगठनों से बात हुई जिनकी भला करने आप चले थे? देखो, सभी लोगों से बात हुई, जिनसे नीति आयोग ने की, मिनिस्टर का ग्रुप चीफ मिनिस्टर का बड़ा, उसने बात की। कुछ लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, जैसे पंजाब के चीफ मिनिस्टर है वो आए नहीं, उन्होंने कभी सेक्रेटरी को भेज दिया, कभी मनप्रीत बादल जी को भेज दिया जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये एक मजाक हो रहा है। ये जो 40 संगठन हैं इनमें से किसी संगठन को न्योता मिला ये मना करते हैं। भारतीय किसान संघ, वो तो आरएसएस से जुड़ा संघ है, उनके महासचिव से मैंने एक बार नहीं, वो तो बल्कि इरिटेट होने लगे। इकबाल जी की संदीप कितनी बार पूछोगे, कितनी बार बताऊं कि हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया कानून बनाने से पहले। तो किससे बात हुई? राज्यपाल, वो कौन से अदृश्य किसान संगठन थे जिनसे बातचीत हुई कानून बनने से पहले? सिंह पुनावल, ये कानून बनने से पहले आपसे बातचीत हुई थी, सलाह मशवरा हुआ था? हमारे साथ कोई संपर्क नहीं हुआ। अब बात गोदी मीडिया के एंकर्स की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, क्या यूपी 2022 इलेक्शंस में वोट के लिए जातीय समीकरण का खुला खेल शुरू। दूसरा, विरोध का नाम अराजक काम, डेमोक्रेसी में कैसी मनमानी। तीसरा, सांसों की सच्चाई किसने छिपाई, सियासत को मिली ऑक्सीजन। चौथा, उत्तर प्रदेश की बाजी किस पर भारी, 2022 का चुनाव सियासत में तनाव। पांचवा, शोर में कैसे उठेगी जनता की आवाज। अमीश देवगन ने अपनी ज्यादातर डिबेट उत्तर प्रदेश के चुनावों के मुद्दे पर की और इन डिबेट में वे जाति और धर्म पर बात करते नजर आए। क्या उत्तर प्रदेश में वोट के लिए जातीय समीकरण का खुला खेल अब शुरू हो गया है, क्योंकि सियासत में जब मायावती की एंट्री हुई थी उस दौर में बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस दलित वोटर्स पर था। सियासी आरोप लगता था कि तब पार्टी मायावती की पार्टी का नारा ये था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक का मतलब था ब्राह्मण, लेकिन 2007 आते आते बीएसपी का नारा बदला और नया नारा था पंडित शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, और उन्हें इसका जबरदस्त फायदा भी मिला। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना डाली। अब एक बार फिर मायावती दलित ब्राह्मण वोट बैंक का समीकरण तैयार करने में जुट गई है। तो क्या करीब 13% वाले ब्राह्मण वोट बैंक के लिए अब खींचतान शुरू हो गई है?
आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत के पत्रकार ऐश्वर्या कपूर की और जान देंगे उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, मोदी योगी को कैसे रोकेगा विपक्ष। दूसरा, मोदी विरोध की सियासत कब तक। तीसरा, झूठी जासूसी पर दुष्प्रचार गैंग बेनकाब। चौथा, सांसों पर शर्मनाक सियासत कब तक। पांचवा, संसद में चर्चा से विपक्ष की भाग भाग। ऐश्वर्या अपने डिबेट में सरकार से सवाल करते तो नजर नहीं आए, उनके ज्यादातर सवाल विपक्ष से ही होते नजर आए। देखते हैं उनकी एक डिबेट। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कहती रही कोविड में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लगातार बोलते रहे एक के बाद एक कि मोदी सरकार ने कोविड में कुछ नहीं किया। लेकिन जब मोदी सरकार ने मानसून सत्र के बाद पहला कोविड पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया तो क्या कांग्रेस पार्टी मौजूद थी? क्या राहुल गांधी मौजूद थे? और जब मैं चीख के पूछूंगा तो बोलेंगे चीखता क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप बताएं क्या सिर्फ आप दिखाने के लिए करते हैं? क्या वो सब ड्रामा था? आपने राहुल गांधी, आपके सांसदों ने सवाल क्यों नहीं पूछा? आप क्यों उस बैठक में नहीं थे जो बैठक हर एक भारतीय को डायरेक्टली सीधा असर करती? मैं हर दिन कहता हूं आप संतुष्ट नहीं है, आपका अधिकार है, ये जनता ने आपको अधिकार दिया है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी एसपी बीएसपी लेफ्ट। आपने खुद देखा कि कौन किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझता है। गोदी मीडिया ना तो ज्यादा जानकारी देता है और ना ही सरकार से सवाल पूछता है। हमने आपको दोनों तरफ के मीडिया की डिबेट दिखाई, अब आगे आपको तय करना है कि आपको किस तरह का मीडिया देखना है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।